आज हम टाइम एंड स्पीड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। उस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे और साथ ही ये देखेंगे इसमें कि सेकंड टाइप को किस हिसाब से एक्सटेंड किया गया है। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन को ही एक्सटेंड किया गया है। अगर आपने सेकंड टाइप की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सेकंड टाइप की वीडियो देखिए, तो फिर आपको आपकी समझ में ये थर्ड टाइप की वीडियो बढ़िया तरीके से आएगी। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में लिखें, एक वायुयान 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है और उसे 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हवाई जहाज का पायलट हवाई जहाज की चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल क्या होगी? तो देखिए क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप डिस्टेंस और टाइम के डिफरेंस और स्पीड के रेशियो के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो डेल्टा टी बट्टे कितना 60 करेंगे। तो मैंने आपको ये सेकंड टाइप में बताया था कि फॉर्मूला आया कहाँ से और ये कैसे डेरिवेटिव हुआ। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको सेकंड टाइप देखना पड़ेगा। सेकंड टाइप में आप जब जाएंगे तो आपको ये सारा का सारा डेरिवेटिव करके मैंने बता दिया है। तो इसको देखते हैं क्या करना है इसमें बेटा। तो डिस्टेंस उसने दिया आपको 1500 किलोमीटर की, है ना। स्पीड का रेशियो देखिए क्या क्या दिया है। उसने बताया कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, इसका मतलब पहले स्पीड उसकी एस रही होगी, इसके बाद उसने 250 किलोमीटर बढ़ाई तो बेटा कितना हो गया एस प्लस के 250 बट्टे क्या करेंगे एस प्लस के 250 माइनस एस। मैंने बताया था बड़े से छोटा वाला घटाते हैं इस केस में हम, है ना, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव। और यहाँ पे डेल्टा टी तो 30 मिनट की वृद्धि, तो बेटा कितना करेंगे 30/60। ये एक वेरीफाइड इक्वेशन मिलेगी आपको, इस इक्वेशन को ही आपको केवल एक्सटेंड करना है। कैसे करें देखते हैं। यहाँ से इसको हम लगाएंगे तो ये 1/2 बनेगा, यहाँ से ये वाला कट जाएगा इससे। तो देखिए कितना आएगा 1500 बराबर एस इंटू एस प्लस 250 बट्टे कितना हो जाएगा 500। कैसे हुआ 500? ये दो का मल्टीप्लाई किससे हुआ 250 से। अगर इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो देखिए 1500 बराबर एस एस प्लस के 250। अब देखिए यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कीजिए इसमें, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे सवाल में, तो आप ऑप्शन का यूज़ कीजिए। जैसे कि मान लीजिए इसमें पहला ऑप्शन है 750, तो क्या करें आप पहले ऑप्शन को, जैसे दूसरा 900 होगा, फिर 950 होगा इस टाइप से, या फिर ऐसे 600 होगा इस टाइप से, ना ये ऑप्शन है चार इसमें से। तो अगर हम देखें सबसे पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पे पुट करें तो देखें कितना होगा, यहाँ पे 500 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो 15×5 75, तो 75 के पीछे आप 40 चिपका दीजिए। तो यहाँ पे हम एस बराबर कितना पुट करें 750, तो 750 हम जब पुट कर रहे होंगे तो देखिए ये कितना बनेगा 1000 बनेगा, ये 75 और 40, तो यहाँ पे 1000 बनेगा और ये 750 है, तो 750 गुणा 1000, तो देखिए कितना आएगा ये 750 के पीछे 40। तो ये पता लगा कि ये पहले ऑप्शन से ही आपने पुट किया ये नंबर, तो ये पहले ऑप्शन से ही क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें केवल आपको कुछ नहीं करना, केवल ऑप्शन पुट करना है और ऑप्शन पुट करके ऐसे क्वेश्चन निकाल देने हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा आपसे टाइम भी पूछ सकता है, टाइम का मैं क्वेश्चन अभी आपको करा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको करना इतना है कि आप ऑप्शन ही पुट कीजिए। अगर आप ऑप्शन पुट नहीं करना चाह रहे तो फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खोले, कैसे खोलेंगे एस का मल्टीप्लाई एस से करेंगे, एस स्क्वायर होगा फिर इसका 250 से करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, और उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू को आपको लेना है और उसी को फिर आपको लेके चलना है और फिर उसी से वो आंसर कॉल कर जाएगा, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। इसे उतारिए फटाफट से, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दूसरा वाला, है ना, इसी टाइप में। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में
एक वायुयान को मौसम खराब हो जाने के कारण अपनी चाल में 400 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करनी पड़ी, जिससे उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो उड़ान का मूल समय ज्ञात कीजिए। देखिए, उसमें आपसे स्पीड पूछी थी, इसमें क्या पूछा है आपसे उसने, इसमें आपसे केवल उसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है। और टाइम निकाल भी सकते हैं, इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, साथ ही मैं आपको एक तरीका और जनरेट करके बता दूंगा। पहले इसी से देखिए, डी बराबर बेटा क्या करेंगे, एस वन इंटू एस टू बट्टे क्या, एस वन डिफरेंस एस टू इंटू डेल्टा टी बट्टे कितना 60। एक सिचुएशन तो ये बनानी है आपको, है ना। और इसी सिचुएशन से देखिए कितना, 6000 बराबर एस वन इंटू एस टू कितना होगा, यहाँ पे 400 कर रहा है वो, कमी कर रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो एस इंटू एस माइनस का 400 बट्टे, अब की बार इसमें से इसको घटाएंगे तो एस एस माइनस का 400 इंटू 30 मिनट की, तो बेटा कितना हो जाएगा, 1/2। तो देखिए यहाँ से ये इससे कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा ना, और 4 × 2 = 8 हो जाएंगे। तो 6000 गुणा कितना, 800 बराबर एस इंटू एस माइनस का 400। तो यहाँ से आप देखेंगे आप केवल स्पीड ही निकाल पाएंगे, यहाँ से स्पीड देखिए, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2 0 इसके पीछे चिपक जाएंगे, एस स्क्वायर माइनस का कितना 400s। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, जब हम इसको इधर ले जा रहे होंगे तो एस स्क्वायर माइनस का 400s माइनस का कितना, ये वाला सिस्टम है ना। अब यहाँ से आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसकी, तो आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और इसमें से एस की वैल्यू निकाल देनी है। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो देखिए क्या हो गई, एस स्क्वायर माइनस का 2400 एस और प्लस का 2000s माइनस का कितना 48 और 50, है ना। अब देखिए इसमें से s कॉमन आ जाएगा, जब इसमें से s कॉमन आ जाएगा तो s माइनस का कितना हो जाएगा, ये 2400। इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, 2000 कॉमन ले लें, तो हम इसमें से 2000 कॉमन लेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा, s माइनस 2400। तो देखिए दो सिचुएशन बनी, एक तो यहाँ पे s माइनस का 2400 बराबर 0 और एक s प्लस का कितना 2000 बराबर 0। इसको हम ले नहीं सकते क्योंकि ये माइनस में आई, हम इसको लेंगे तो s बराबर कितना निकल के आया बेटा 2400। तो स्पीड कितनी निकल के आई इसकी, 2400 किलोमीटर पर आर। जब इसकी स्पीड ये निकल के आई है तो आपको डिस्टेंस ये दे रखी है इसकी, देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6000 किलोमीटर, है ना। जब आपको डिस्टेंस ये दे रखी है, आपको टाइम निकालना है, जब आप टाइम निकालेंगे तो टाइम जब निकाल रहे होंगे तो डिस्टेंस बट्टे क्या करेंगे आप स्पीड, तो कितना 2400 यहाँ से ये, और 12 × 5 = 60 और 12 × 2 = 24, तो टाइम कितना निकल के आएगा इसका, 2 = 1/2 r। एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, साथ में एक तरीका और है जिससे मैं आपको इसको समझाऊंगा, पहले आप इसको उतारिए फिर दूसरा तरीका और एक्सटेंड करता हूँ। उतारे से दूसरा तरीका एक्सप्लेन करते हैं अभी। देखिए चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, दूरी बटे समय। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान दूँ इस बात पे, तो यहाँ से देखिए यही फॉर्मूला मैं लेके चलूँ, सेम यही फॉर्मूला। अब आप एक बात बताइए, उसे 400 किलोमीटर पर आर स्पीड क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। जब भी कोई आदमी स्पीड कम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो टाइम ज़्यादा ले रहा होगा, और जब भी कोई आदमी स्पीड ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वो टाइम कम ले रहा होगा। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को मैं टाइम के रेशियो में लगा के निकाल सकता हूं। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है उसने, मान लीजिए पहला 1 = 1/2 r दे रखा है, दूसरा मान लीजिए उसने 2 = 1/2 r दे रखा है, तीसरा कुछ इस टाइप से दे रखे हैं ऑप्शन उसने, मान लीजिए यहाँ पे 3 = 1/2 r दे रखा है, और डी मान लीजिए नोटा दे रखा हुआ है ना, इस टाइप से कुछ भी ऑप्शन दे रहे हो वो आपको उसमें पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो यहाँ से इसने अगर स्पीड कम की है तो इसका मतलब वो टाइम ज़्यादा ले रहा होगा, और अगर ये स्पीड ज़्यादा करता तो इसका मतलब वो टाइम कम ले रहा होगा। तो अगर हम इसी रेशियो को लेके चलें, तो इसी रेशियो को लेके चलेंगे तो मान लीजिए ये एस है और ये डिस्टेंस है, और टाइम मान लीजिए वो टी ले रहा है,
अब यहाँ से उसने एक बात तो ये वाली कही, दूसरी वाली बात में ही उसने क्या कहा, स्पीड ये है दोबारा से और डिस्टेंस। अब उसने टाइम कितना लिया, टी प्लस कितना भाई, एक बट्टे दो आर ज़्यादा लिए। अब ये दोनों इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब ये दोनों किसके बराबर हैं, स्पीड के बराबर हैं, और स्पीड इसके कितनी है 400 किलोमीटर पर आर क्या करता है ये बेटा, कम करता है। इन दोनों बातों को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है इधर, 6000 बट्टे कितना टी, माइनस डिस्टेंस बट्टे टी प्लस कितना, एक बट्टे दो, और बराबर किसके ये 400 के। अगर मैं इसमें पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, मान लीजिए ये वाला मैं ऑप्शन इसमें लूँगा, तो देखिए 1.5 लूँगा मैं, 1.5 लूँगा यहाँ पे, इसकी जगह पे मैं 1.5 लूँगा, तो यहाँ से ये 60,000 हो जाएगा, और इसको मैं अगर इससे काटूँगा तो 15 चौका 60, ये 4,000 बार कट रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 1.5 लूँगा और इधर ये 5.5 है, तो ये कितनी बार कटेगा बेटा, 3 बार, तो 4,000 में से 3,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 1,000, तो 400 के बराबर तो आना नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लूँ, यहाँ डायरेक्ट 2.5 लूँ मैं, 2.5 लूँगा मैं, अगर इसको 2.5 से इसको काटूँगा, देखिए 6,000 60,000 बट्टे कितना 25, माइनस 6,000 बट्टे 2.5 प्लस कितना भाई 0.5, तो कितना हो जाएगा 3। तो देखिए इसको मैं अगर इससे काटूँगा तो 3 दूनी 6, तो कितनी बार कटेगा ये 2,000 बार। अगर मैं इसको इससे काटूँगा तो कितनी बार कटेगा ये 2,400 बार, और बराबर कितना 400। तो 2,400 और 2,000 का अंतर कितना आ रहा है 400, तो 400 बराबर 400। तो इस तरह से बस तसल्ली से एक बात का, इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको केवल एक काम करना है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन्फॉर्मेशन लगाइए, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको स्पीड का कन्वर्जन रेशियो लगाना पड़ेगा कि स्पीड कितनी कम हुई है, और कितनी कम होने के बाद स्पीड टाइम उसने कितना इंक्रीज किया है। तो मैंने ये ऑप्शन केवल इसी बेसिस पे लगाए हैं कि उसने स्पीड 400 की कम और टाइम कितना बढ़ाया उसने, 0.5 बढ़ाया। तो इसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपके सामने स्पीड का रेशियो में निकाल दे, उतारे फटाफट से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी में, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लिखिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो वह 8 मिनट अधिक लेता है, और यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो 4.5 मिनट कम लेता है, तो उस निश्चित दूरी का गणनात्मक मान क्या होगा, या उस निश्चित दूरी का मान क्या होगा, है ना, वह दूरी क्या होगी, वह उसने दूरी तय की है वो क्या होगी, कुछ भी कह सकता है इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अपन, सेम वही सिचुएशन, डिस्टेंस बराबर S1 × S2 बट्टे S1 डिफरेंस, S2 × δt बेटा कितना बट्टे 60। उसने आपने ध्यान दिया हो तो दो बार तो स्पीड दी है उसने, और दो बार ही साथ क्या दिया उसने टाइम, और डिस्टेंस एक पर्टिकुलर है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये बन गई इसकी, और दूसरी इक्वेशन ये बन गई, है ना, S1 × S2 बट्टे S1 डिफरेंस, S2 × δt बट्टे कितना 60। तो ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों को मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ टाइम बाउंडेशन में भी करा रहा हूँ, केवल आप उसी चीज़ को देखें कि कंसेप्ट तो आप सीखिए, कंसेप्ट आपका लाइफ टाइम रहेगा, टाइम बाउंडेशन भी रहेगी अगर आपके कंसेप्ट आ गया तो इसीलिए ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चनों पे, टाइम बाउंडेशन भी तो रहेगी साथ में, कंसेप्ट आपका ये समझ लीजिए एंड तक रहेगा जब तक आप इसको पढ़ेंगे, है ना, इसके टच में रहेंगे जब तक आप पढ़ाएंगे हमें। तो देखते हैं, ध्यान देते हैं इस चीज़ पर, है ना। तो देखिए बेटा क्या करना है आपको इसमें, एक बेसिक सी बात निकालनी है। उसने कहा कि यदि वह अपनी चाल कितनी कर दे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दे, कम कर दे। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर रहा है तो देखिए ये वाली बात, पहले उसकी स्पीड एस होगी, तो फिर एस माइनस कितना किया उसने 6, ठीक है, और फिर उसे कितना टाइम लगता है 8 मिनट, तो 8/60। तो इधर क्या करेंगे अपन, एस माइनस का 6, ठीक है। दूसरी वाली बात इसी के बराबर में अगर हम लें,
एस इंटू एस प्लस का कितना 4, और एस प्लस का 4 माइनस कितना एस, और 4.5 मिनट मतलब 9/2 × 8 कितना 1/60। अगर आप इसको चेंज भी ना करें तो कोई मैटर नहीं करेगी बात, क्योंकि ये आपस में कट जाएगा, है ना। अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए एस से तो ये एस कट जाएगा और इस एस से ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, और इस एस से ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, एस माइनस का 6 × 8, इधर कितना बनेगा, एस प्लस का 4/4 × 9/2। तो देखिए जो कुछ कट रहा है उसको काटे आप, पहले ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, है ना। तो देखिए 4 × 2 = 8 और 8 × 4 = 32, तो ये कितना बनेगा 32s माइनस कितना सा 32 × 6 करेंगे आप, 32 × 6, जब भी आप गुणा कर रहे हैं 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18 और 1 = 19, तो कितना हो जाएगा ये 192 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे देखिए 3 और ये कितना 9 × 9 = 27 और प्लस का कितना साहब 27s प्लस 27 का गुणा किससे करना है आपको, 4 से करना है ना, 27 × 4 करेंगे, 7 × 4 = 28 और 4 × 2 = 8 और 2 = 10, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 32 में 27 जाएंगे कितने बचेंगे 5s, और इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए कितना आएगा 192 और 108 जब आप जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जाएगा ये 300। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा ये 60। तो स्पीड कितनी निकल के आई इसकी, नॉर्मली 60 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी नॉर्मली स्पीड निकल के आई। साथ में आपको निकालनी क्या थी, इसकी डिस्टेंस निकालनी थी। जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता है कि इसी में आपको उसको जनरेट करना है, आप पहले में कर लीजिए या दूसरे में भी कर लीजिए, कोई मैटर नहीं करेगी बात। जैसे कि आप इसमें लगाएं, एक तो स्पीड उसकी 60 है नॉर्मली 60, और इसमें कितना कम कर रहा है बेटा, वो 6 कम कर रहा है, तो 6 कम कर रहा है तो कितना हो जाएगा ये 54/60 − 54 कितना होगा 6 × कितना हो जाएगा ये आपका कितना टाइम ले रहा है 8/60। देखिए 60 से 60 ये कटेगा और 6 से ये कटेगा 9 बार, और 8 × 9 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जब भी आप ऐसे कर रहे होंगे तो इस टाइप का बेसिस बनेगा इसका। इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड में आपको अभी तुरंत बताऊंगा, पहले इसको समझिए। ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का पूरा, कि अगर आप इस चीज़ को इस बेसिस पे लाएंगे उतारेंगे तो इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, और ये बड़ा मैंडेटरी अप्रोच है। उतारिए फटाफट से, और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, जो सेकंड टाइप में आपको अप्रोच सिखाई थी उसको ही एक्सटेंड किया है। इस टाइप से एक्सटेंड करके क्वेश्चन बन जाते हैं, और मैंने उस टाइप में भी आपसे चर्चा की थी कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कभी भी तो केवल आपको ये फॉर्मूला जनरेट करना है और इस फॉर्मूले को जनरेट करके निकाल देना है। तो उतारिए से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है इसका। आपको एक बार तो ऐसा रखना है और एक बार टी रखना है आपको। उसने क्या कहा आपसे, यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दे, कम कर दे, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो उसे क्या लगता है, कितना लगता है 8 मिनट ज़्यादा लगता है, तो प्लस लगता है। और फिर उसने क्या कहा आपसे, यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो फिर क्या लगता है उसको बेटा, 4.5 मिनट कैसा लगता है, कम लगता है। तो जब भी आप ऐसे निकाल रहे हो तो डायरेक्ट S1:S2 का रेशियो निकलेगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे होंगे तो 6 × 4 = 24 और 5 × 6 = 30, तो कितना बनेगा बेटा ये 27 बनेगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे करेंगे तो 8 × 32, ये 27 यूनिट हो गया और ये कितना हो गया 32 यूनिट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो बेटा कितना आएगा 5 यूनिट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं +4 − 6 तो करूंगा तो मैं कितना आएगा = 10। इससे मैं इसको काटूंगा तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू 2। अगर मैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का तो कितना होगा ये 54। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना होगा 64। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, 54 कब होगी इसकी, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे क्या करे कम, 64 कब होगी इसकी, जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा रखे। तो इसका मतलब अगर वो कम नहीं करता तो इसकी स्पीड नॉर्मली कितनी रहती बेटा 60। अगर वो ज़्यादा चार नहीं करता तो इसका मतलब इसकी नॉर्मली स्पीड कितनी रहती 60। तो आपको पता लग गया कि इसकी नॉर्मली स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए फिर से
एस टू बट्टे कितना, एस वन डिफरेंस एस टू इंटू डेल्टा टी बट्टे क्या करना है आपको, 60 करना, बस इसी को लगा देना है। देखिए 54 60 लोगे तो आपको टाइम ये वाला लेना पड़ेगा, अगर आप ये वाला लोगे तो आपको टाइम ये वाला लेना पड़ेगा। मैंने इस वाले टाइम से आपको पहले उसमें करा दिया है, इस वाले टाइम को लीजिए। 64 गुणा कितना 60 बट्टे कितना बेटा, 64 में से 60 जाएंगे 4 बचेंगे और टाइम ये वाला लेना पड़ेगा आपको। तो ये वाला टाइम लेंगे तो 9 बट्टे 2 हो जाएगा ये, और इंटू कितना 1 बट्टे 60, 60 से एक 60 कट जाएगा, और बेटा ये 4 दूनी 8, 8 से कटेगा 8 बार, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर, है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप कंसेप्ट के साथ साथ इसको टाइम बाउंडिंग अप्रोच से भी कर सकते हैं।